اگر فردوس بر روی زمین است، همی است و همی است و همی است، جس کے معنی ہیں کہ اگر روی زمین پر کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. اب یہ جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے قدرت نے پوری کائنات میں ایک بہترین اور اعلیٰ مقام بنایا ہے، جہاں نہ تو کوئی دکھ ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس جنت میں وہی جائے گا جو اس دنیا میں نیک نیتی اور ایمانداری سے زندگی گزارے. جنت سے تعبیر کیا گیا ہے ہمارے اس کشمیر کو. تو پھر اس کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ جنتی؟ جی ہاں، میں تو یہی مطلب نکالوں گا. میں آپ کو کشمیر کی ہسٹری بتانے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ کو
एक ऐसे नौजवान की कहानी बताना चाहता हूं जो सही माने में इस जन्नत में रहने का हकदार है। हेलो, व्हाई मिस कॉल्स? ऐसा क्या हो गया? तुमने कल भी मेरी रिकॉर्डिंग मिस कर दी। आज की रिकॉर्डिंग तुम्हारी कितने बजे है? 2:30 बजे, लेकिन मुझे पता है तुम आज भी नहीं आओगे। 2:30 बजे, सो व्हाट आई विल डू इज मैं 1:45 पर तुम्हारे पास आऊंगा। यू नो वी हैव 45 मिनट्स टुगेदर। प्रॉमिस? प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। आ जाओ फिर जल्दी। ओके, बाय बाय। बाय। गुड मॉर्निंग रंजीत, कैसे हो? फाइन सर। पूजा कहाँ है? पूजा सर आज जन्माष्टमी है तो शाम तक आ जाएगी। राइट। सो व्हाट्स अप सर? बिजमारा में एक फायर इंसिडेंट है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक इनविटेशन आया। बिजबिहारा में जो इंसिडेंट हुआ है उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं? सर कैजुअलिटी तो कुछ नहीं है, बट 4 मकान टोटल डैमेज हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी है? सर गुल खान की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अवार्ड विनर और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। वो हमारे स्टेट के नामी ग्रामी सोशल वर्कर हैं एंड बिजनेस टाइकून। एनीवेज तुम जाकर दावत खा के आ जाना। सर ये गुलाम मोहम्मद है, आपसे कुछ बात करना चाहते। जी फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जानते ही है कि अवाम की खिदमत करना हम अपना अवलीन फर्ज समझते हैं। रियासत में बेरोजगारी आसमान को छू रही है। इस सिलसिले में हमने एक प्रोजेक्ट तश्कील दिया है जिससे रियासत में करीबन 20 से 25% बेरोजगारी कम हो जाएगी।
ये प्रोजेक्ट हमने सरकार को भेज दिया है, हमें उम्मीद है कि सरकार इसे मंजूर करेगी। और ये प्रोजेक्ट करीबन 1000 करोड़ रुपए का है। इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे बाद अशरफ साहब देंगे। फिलहाल हम सवाल और जवाब का दौर शुरू करते हैं। आप तो 1000 करोड़ में एम्प्लॉयमेंट को 20-25% कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 50,000 की बात हुई थी। हम आपकी बात समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हम समझाते हैं, रियाज मलिक, शायद आप उसे जानते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रियाज मलिक वही आदमी है जो आपके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम देखता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। आगे की कहानी आप इनसे सुनिए। बोले चाचा। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं यहीं बारामुल्ला का रहने वाला हूँ। मैंने अपने बेटे की नौकरी के लिए एक रियाज मलिक नाम का आदमी है जिसके हाथ मैंने 50,000 रुपये दिए थे, उसने मुझे वादा किया था कि वो मेरे बेटे को नौकरी दिलाएगा। उसने मुझसे कहा था कि वो आपका खास आदमी है, लेकिन न ही पैसे वापस दे रहा है और न कोई नौकरी दिला रहा है। मैंने उधार लेकर अपने बेटे की नौकरी के पैसों का इंतजाम किया था। यह सिर्फ एक गुलाम मोहम्मद की कहानी नहीं है, मेरे पास 500 लोगों के नाम हैं जो इस रियाज मलिक के शिकार हैं। देखिए, मेरे मालूमात में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल में इसमें कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी इस मामले पे मैं जरूर जान लूंगा। मेरे ख्याल से फिलहाल हमें इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। आप मानते हैं कि रियाज मलिक आपका आदमी है, तो आपके नाक के नीचे 2-2.5 करोड़ का घपला हुआ है और आप कहते हैं कि आपको इसके बारे में कोई मालूमत नहीं। देखिए, ये सब बेसलेस एलिगेशंस हैं, मुझे नहीं लगता मुझे क्लेरिफिकेशन देने की कोई जरूरत है। मैं एक लॉ अबाइडिंग आदमी हूँ, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो सलाखों के पीछे हो जाऊंगा। अगर उस आदमी ने कोई गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलेगी और लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा। फिलहाल आप सब लोग चाय पी के जाएगा। क्या नाम है आपके पेपर का? कश्मीर डेली। कश्मीर डेली, सब्सक्राइब करो इस पेपर को। यस सर। कश्मीर डेली, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, थैंक यू। Thank you.
हाय। सिर्फ 2 घंटे ले? 2 घंटे यानी पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया मैंने। रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते कहीं तुम ये रिश्ता ना तोड़ दो। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? कौन सा रिश्ता? हुसैन बकवास मत करो। हुसैन बी सीरियस। ओके ओके ओके। तुम्हें पता है कल अम्मी और अप्पू मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे। मुबारक हो तो कर लो शादी। अच्छा तुम ना कभी सीरियस नहीं होते। हाथ नीचे रख। हे 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 हे, क्या हो रहा है? अरे सर मैं अपने ट्रैक पे चल रहा था, ये आ गए बीच में मरने के लिए। वो तुम्हारी बाइक है? मैंने तुम्हें तेज बाइक चलाते हुए देखा। हाँ। तुमने मुझे पीछे ओवरटेक किया था। दैट वाज रैश। गो। ये आ गया दूसरा। रिलैक्स। अरे सर एक तो गलती ऊपर से। देखूंगा तो ये सड़क छाप। क्या हो रहा है? क्या हो रहा? आई एम रेडी मास्क होम। गोल्ड मेडलिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट। बेरोजगारी तू क्या जा रहे सुना? हराम की दौलत ऐश करने वाला। बेरोजगारी के शहर तो सो नहीं पाएगा, पीने की तो बात ही नहीं है। रिलैक्स। ब्लडी हेल। रिलैक्स। सब कुछ है हमारे नौजवानों के पास, कमी है तो सिर्फ पेशेंस। पर सर रिलैक्स। तुमने पीजी किया हुआ है राइट? जी सर, काफी देर से बेरोजगार। कल 9 बजे मेरे ऑफिस आ जाना। कश्मीर डेली। आप सर? मैं इसका एडिटर हूँ। ओह नाइस टू मीट यू, आई एम माजिदार। हुसैन दुरानी, प्लेजर मीटिंग यू। ओह ग्रेट। कल 9 बजे मिलते हैं। श्योर सर। ओके। पर सर सैलरी कितनी मिलेगी? पेशेंस। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, और मेरी प्रॉब्लम? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? कौन सी प्रॉब्लम? हुसैन मुझे इरिटेट करना छोड़ दो। ओके ओके ओके। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की फिक्र नहीं है? मैं आज ही भाई साहब से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ओह वेरी गुड वेरी गुड। कौन? चलो अच्छा है, देखते हैं। ओके 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 ओके। हाँ हाँ, ये मरियम भी आ गई है, मैं बात करता हूँ, ठीक है? चलो वालेकुम अस्सलाम। लीजिए, क्या बातें हो रही थी जनाब? कौन था? हुसैन था। हुसैन क्या कह रहा था? कहाँ है वो? कब आ रहा है? आराम से आराम से, मैं जानता हूँ तुम्हारा लाडला है। अच्छा ये तो बताइए वो कब आ रहा है, क्या कह रहा था? शादी करना चाहते हैं जनाब। शादी? अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। अच्छा ये तो बताइए कहाँ पे कर रहा है? वो अपने गुलाम रसूल है ना। हाँ, वाले। अच्छा उनकी बेटी जोया, उससे निकाह करना चाहते हैं। अब मैंने एक बात सोच रखी है। क्या? अभी उसकी शादी होने वाली है। बिल्कुल। तो शादी में हम क्या करते हैं, उसको एक घर और एक ऑफिस गिफ्ट कर देते हैं, इनकार ही नहीं कर सकता। रोजनामा कश्मीर डेली के एडिटर ने मजकूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक जॉब स्कैम का भांडा फोड़ दिया। हमें मिली तफसीलात के मुताबिक इस जॉब स्कैम का इल्ज़ाम बराए रास्त गुल खान के सर लगता है। बताया जाता है कि गुल खान के दस्ते रास्त माने जाने वाले एक शख्स रियाज मलिक ने नौजवानों को नौकरियां दिलाने का झांसा दिया है और इसी बहाने 2.5 करोड़ रुपये की रकम ऐंठ ली है। ताहम गुल खान ने इस जॉब स्कैम से लातालुकी का इजहार करते हुए इस इल्ज़ाम की सख्त तरदीद की है और इस इल्ज़ाम में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। वाजह रहे कि इस जॉब स्कैम पर सवाल जवाब के दौरान गुल खान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए। इसी दौरान श्रीनगर के पाइन इलाके में आज आग की एक वारदात में कई मकान जलकर
सर, मिनिस्टर साहब का फोन है। क्या हाल है? हाँ, बड़े दिनों बाद याद किया। नहीं नहीं, वो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एवरीथिंग इज फाइन। अब दुश्मनों को तो मौका मिलना चाहिए उंगली उठाने के लिए। बाकी प्रेशर मीडिया तो आप जानते हैं, 2400 घंटे न्यूज चैनल चलाना है, न्यूज तो होना चाहिए, चाहे बेबुनियाद ही सही। वो सब छोड़ दीजिए, आप बताइए आपकी छुट्टियां कैसी रही? ठीक है जी, मैं कल आपसे मिलता हूं। ओके ओके, खुदा हाफिज। रियाज मलिक आ गया क्या? जी सर, वो आ गया है। सिर्फ हाँ ना में जवाब देना, ये सच है क्या? हाँ सर, ये सच है। बस सिर्फ 50,000 रुपए के लिए यही कीमत लगाई तुमने मेरे नाम की? गौर से सुन, मुझे मेरे नाम पे कोई दाग नहीं चाहिए। तुम पुलिस और अदालत में यह सब कबूल करोगे? तुमने मेरे नाम का नाजायज इस्तेमाल किया और लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। वो सब पैसे तुम्हें वापस करने होंगे, और जो कानून तुम्हें सजा देगा वो तुम्हें भुगतनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए खान साहब, मैं सबों के पैसे वापस लौटाऊंगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लीजिए खान साहब। ये सब मैंने अपनी बीवी और बच्चों की बेहतरी के लिए किया है। अब तुम उन्हीं के लिए जेल भी जाओगे? नहीं तो उनको मैं खत्म कर दूंगा। मैं अपने नाम पे लगे दाग को मिटाने के लिए 50 गर्दनें उखाड़ सकता हूं। इसमें तुम्हारे बीवी बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनकी जिम्मेदारी मेरी। मंजूर? जी। जी सर, कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, ब्रेकिंग न्यूज़ है। व्हाट? रियाज मलिक अरेस्ट हो गया। और गुलखान? उसी ने तो अरेस्ट करवाया। आई नो सर, व्हाई आर यू स्माइलिंग? अपना नाम बचाने के लिए गुलखान ने अपने ही आदमी को अरेस्ट करवाया। एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली राइट। सर, मुझे एक और न्यूज़ मालूम है। वो क्या? आप शादी करने वाले हैं। गुड रिपोर्टिंग पूजा। ये रहमान साहब के 22 के बेटे की मिसिंग रिपोर्ट है। मुझे ये कल फ्रंट पेज पे चाहिए, बॉटम राइट।
ठीक है, ऑल द बेस्ट। अजीब शख्स हूं, 10 दिनों बाद तुम्हारी हालत पूछने आया। एनीवेज गुड, तुम अब ठीक हो? नो ब्रो साहब, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूं, अब ऑफिस तुम्हें संभालना पड़ेगा। पूजा, सर की शादी होने वाली है, अब देखो ना, हमें ऑफिस में ही रहना होगा। दैट्स व्हाट जर्नलिज्म इज रंजीत। जानता था पूजा तुम यही जवाब दोगे। Well, I'll be back in few days only, क्योंकि सिंपल मैरिज है, तो मैं यहीं से निकलता हूँ और तुम लोग ऑफिस पहुँच जाओ। जी सर। सर, congratulations in advance. Thank you, Pooja. See you soon. See you. Okay, sir. Why are you upset, Pooja? Nothing, बस ऐसे ही। I can understand, Pooja. You love sir, na? But it is one-sided, Pooja. आप सर से प्यार करते हैं, पर सर की तो शादी होने वाली है। हाँ रंजीत, माँ, बुबजी, भाई, भाभी सब लोग कश्मीर छोड़कर चले गए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ। लेकिन मैं नहीं गई, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं कश्मीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और ये मोहब्बत करना मुझे सर ने सिखाया। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो उसकी वजह सिर्फ सर है, वरना औरों की तरह मैं भी आज न जाने कहाँ होती। देखो ना, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, और आज हंसते हुए सर भी मुझसे दूर हो गए। नहीं पूजा, वो आपसे दूर नहीं गए, बल्कि अपनी जिम्मेवारियां आपको देके गए हैं। हाँ रंजीत, अस्सलाम वालेकुम भाजन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आपसे एक शिकायत है। शिकायत? क्या शिकायत? आपने शादी का तोहफा दिया है मुझे, एक तो नया मकान, उसके साथ साथ एक नया ऑफिस, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कमाल है यार, ये सब तुम्हारा ही तो है, कौन सा गिफ्ट, क्या गिफ्ट? भाजन, मेरा उसूल आप जानते हैं, मैंने ये प्रोफेशन इसीलिए चुना ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, इसीलिए मैं गांव से शहर चला गया। लेकिन आप देखो, ये जो कुछ भी हमारे पास है किसका है? तुम्हारा ही तो है। तो फिर? और फिर तुम्हारी भाभी बहुत जिद कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है। बचपन से लेकर आज तक मैंने यही देखा है कि आप आखिर अपनी बात मनवाते हैं और मुझे कन्विंस करते हैं। खैर जाने दो, अब अपने काम पे फोकस करो। And I want the results. मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कई अफराद को रियासती सरकार की जानिब से सालाना एजाजात से नवाजने का ऐलान किया गया है। इस साल जिन अफराद को स्टेट अवार्ड से नवाजा जाएगा, उनमें रियासत के नामवर आर्टिस्ट मिर्जा हबीबुल्ला, समाजी कारकुन गुल मोहम्मद खान और नौजवान सहाफी हुसैन दुरानी के नाम काबिल जिक्र हैं। अस्सलामुअलैकुम भाजान।
वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हो। बाजान बस आपकी दुआओं का असर है। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मुझे फख्र है कि तुम्हें स्टेट अवार्ड मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, जोया कैसी है? बिल्कुल ठीक है। भाई घर कब आ रहे हो? काफी अरसा गुजर गया। जी बाजान, पहली फुर्सत में हम लोग आएंगे। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। कमाल है, अभी तक कोई नहीं आया। दिस इज नॉट डन। Congratulations! इस मुबारकबाद के असल हकदार आप लोग हैं। Thank you, sir. So much, sir. This award goes to the whole team of Kashmir Daily. Thank you, sir. We are proud of you, sir. And I'm proud of you all. Thank you, sir. Sir, पार्टी शादी तो बनती है आज। जरूर सर जी, पार्टी शादी तो बनती है। पार्टी होगी और जरूर होगी, लेकिन अवार्ड सेरेमनी की बात, राइट सर? Absolutely right. सर पार्टी अरेंजमेंट्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी। ओके ओके, फिलहाल हम आज के इश्यू पर काम करें। सर मेरा नाम इकबाल है, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? सर मैं आपका हर एक आर्टिकल पढ़ता हूँ। सर आपका नाम हुसैन साहब है ना? सर आप कश्मीर डेली के लिए लिखते हैं ना? आई एम एन एडिटर ऑफ कश्मीर डेली। आप क्या काम करते हैं इकबाल साहब? सर मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ। सर आप बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करते हैं, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। गुड, दैट्स गुड। और जो ये आपकी एनजीओ है किसके लिए काम करती है? सर वो बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करती है। वंडरफुल, आप भी बेरोजगारों के लिए काम करते हैं और मैं भी उन्हें के बारे में लिखता हूं, तो कभी आइए हमारे ऑफिस। यस सर। ओके सर, थैंक यू। अवार्ड पे अवार्ड, क्या बात है खान साहब। अगर ये अवार्ड शवार्ड नहीं होते तो अब दिल्ली वाले हमें कैसे याद करते? मिनिस्टर साहब, आप जितना कर रहे हैं ना वो काफी नहीं है जब तक यहां का नौजवान बेरोजगार है, तब तक इस कौम का मसला हल नहीं हो सकता। मिनिस्टर साहब, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, अगर आप यहां के हालात और तरक्की में बेहतरी चाहते हैं तो आपको इस बेरोजगारी का कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। खान साहब, हम कश्मीर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं पर आपके ये कुछ लोग हमें कुछ करने नहीं देते। डेवलपमेंट के नाम पे अगर कोई प्रोग्राम शुरू करवाते हैं तो आपके इन्हीं लोगों के पास रुकावटें खड़ी करने के कई रास्ते मौजूद हैं। शर्मा जी, मैंने जो प्रपोजल आपको दिया है अगर हम उस पे गौर करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लाखों की तादाद में हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, गुस्से में हैं, और जब उन्हें गुस्सा उतारने का कोई मौका मिलता है तो पत्थर उठाकर सड़क पे आ जाते हैं। अगर आप हमारे पैकेज प्रपोजल पे गौर करें तो कम से कम हमारे 70% नौजवान बेरोजगारी से निजात पा सकते हैं। फिर क्या पत्थरबाजी और क्या मसला, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए आप तो जानते ही हैं ना मैं अवाम का कितना ख्याल रखता हूं। इसीलिए तो मैं कश्मीर के दौरे पे आया हूं ताकि यहां के हालात का नजदीकी से जायजा ले सकूं, हालात को समझूं और बेहतरी के लिए कोई कदम उठाया जाए। खान साहब आप बेफिक्र रहें, मैं आपके प्रपोजल पे गौर करूंगा। जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी, हम चाहते हैं कि यह गुलिस्ता फिर से महक उठे। बेशक, जरूर।
माजी सर कहाँ है? क्या बात है, हमें भी कभी इस तरह से ढूंढा करो। शट अप माजिद। रंजीत सर कहाँ है? यस सर, अंदर कैबिन में। सुना है सर पे लट्टू थी पूजा? जा शट अप माजिद, शो सम रिस्पेक्ट यार, वो हमारी सीनियर है। प्यार में सीनियर जूनियर कहां से आ गया? सर तो फिर भी शादीशुदा है, हम तो कंवारे हैं। I don't like this, Majid. अरे बहुत प्यार करता हूं उसे, ये अगर मान जाए ना शादी करने के लिए भी तैयार हूं। तो मुझे क्यों बोल रहे हो, जाके बोलो। कितनी बार कोशिश की, ये मौका दे तब ना। हाँ रंजीत। हाँ सर। बैठो बैठो, इस पेन ड्राइव में से एक वीडियो चलाना है, पूजा दिखाना है। ठीक है सर। लास्ट फोल्डर, वो लास्ट फोल्डर। रुको रुको रुको, दोबारा चलाओ दोबारा चलाओ। ये है सर। इस लड़के को मैंने कहीं देखा है। कहां देखा? कौन है ये सर? याद आया, मैं इस लड़के से रेस्टोरेंट में मिला था, लेकिन उस वक्त मुझे ये अच्छा लड़का लगा था। ये यहां क्या कर रहा है? पूजा जी, कंटिन्यू विद द स्टोरी। ओके सर। माजिद को अपने साथ रखो। थैंक यू सर। क्यों सर, स्टोरी अच्छी है ना, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर साहब। वालेकुम सलाम जी। हुसैन साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए आपको फोन किया। मुलाकात हो सकती है क्या? जी वाई नॉट, आप बताइए कब मिलना है। एड्रेस मिल गया है, लड़के का नाम इकबाल है। पर एड्रेस क्या है? एड्रेस है नई बस्ती काक मोहल्ला। ओके, तो चलना चाहिए। दरअसल मैं एक अहम स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, इट्स अबाउट ड्रग्स, और मैंने सोचा कि ये सब आपके साथ शेयर करूँ। आप जानते ही हैं कि यहाँ पर चर्च का कारोबार बेतहाशा और बिला रोक टोक जारी है, और हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है। मुझे साहब, पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, ऊपर से ड्रग्स से वबा हमारी नई नस्ल को बर्बाद कर रही है।
मुझे मेरे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि ये सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है और इसमें किसी एनजीओ का भी हाथ है, ऐसी मुझे एक लीड मिली है। आप वजह फरमा रहे हैं मुबशिर साहब। मिस्टर हुसैन, यू आर अ ट्रू जर्नलिस्ट, इसीलिए मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितना काम मैंने स्टोरी पर किया है, मुझे लगता है कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे इसमें आपका साथ चाहिए ताकि हम कौम के इन दुश्मनों को बेनकाब कर सके। और फिर आप जानते ही हैं कि एक और एक 11 होते हैं। मुबशिर साहब, मैं ऑलरेडी स्टोरी पर काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों की सोच इस कदर मिलती है। मुझे लगता है हम दोनों की मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि मैं इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने वाला हूँ। पूजा, ये रहा इकबाल। हेलो इकबाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? इकबाल, तुम्हारे ऑफिस से मिला था। कहिए मैम, क्या काम है? आप हुसैन साहब को जानते हो? कौन? जिन्हें स्टेट अवार्ड मिला बेस्ट जर्नलिज्म का? ही इज माय आइडल। दरअसल हुसैन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अरे वाह, ग्रेट, कब मिलना चाहते हैं? एक मिनट, मैं पूछ के बताती हूँ। Excuse me. हाँ पूजा। हेलो सर, सर वो इकबाल मिल गया। गुड, उसे ऑफिस लेकर आओ। ओके सर, वो तुमसे अभी मिलना चाहते हैं। ठीक है मैम, मैं चेंज करके आता हूँ। इकबाल, अभी इतना वक्त नहीं है, चले। ओके। वजह साहब, मैंने आपसे कहा था कि हमारी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। ओह, दैट्स ग्रेट। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर, ऐसी क्या बात है कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? इकबाल, पिछली बार तुम मुझे रेस्टोरेंट में मिले थे, कब नॉट रॉन्ग, तुमने एक एनजीओ का जिक्र किया था, तो शायद तुम खुद चलाते हो। नहीं सर, चलाता नहीं हूँ, वहाँ काम करता हूँ। सर, वो एनजीओ तो किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे चलती है। क्या काम है उस एनजीओ का? सर, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करना। वो कैसे? सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कहीं तरीकों को लेके बेरोजगार नौजवानों को गाइड किया जाता है और उनकी पूरी तरह से मदद भी की जाती है ताकि उनका रोजगार फराहम हो सके। इसके अलावा सर, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे जॉब डिटेल्स भी मिलती है प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और चर्च गांजा पीने के लिए तैयार करती है। क्या सर? इकबाल, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी एनजीओ चलाता कौन है? जी वो, या फिर तुम खुद चलाते हो? ये एनजीओ गुलखान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे चलता है। कौन? सर, मशहूर नाम है गुलखान साहब। यू मीन द बिजनेसमैन एंड अ सोशल एक्टिविस्ट गुलखान? यस सर। तुम जानते हो किसका नाम ले रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सर। एनजीओ की याद में कौन से गुल खिलाए जाते हैं बताना चाहेंगे इकबाल साहब? वही जो मैंने कहा सर। पूजा, पेन ड्राइव देना। इकबाल साहब, तुम्हारे सारे कारनामे इस पेन ड्राइव में मौजूद हैं। हमारी जर्नलिस्ट उस इलाके में थी जहां तुम चर्च पे रहे थे। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये तुम्हारे घर वालों को दिखा सकता हूं और पुलिस को भी। मुझे बचा लीजिए सर। सर, मैं अपने घर में एक लौता कमाने वाला हूं, मुझ पे पूरे घर की जिम्मेदारियां है। छोटे भाई बहन की पढ़ाई और बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी है सर। सर, मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे बचा सकता हूँ, अगर तुम सारी बातें सच सच बयां करो।
सर अगर मैंने सच बोल दिया वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, सर मेरी फैमिली का क्या होगा फिर? देखो इकबाल, तुम मुझे अच्छे लड़के लगते हो, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ तुम मुझे सारी बातें सच सच बताओ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, सर आप गुल खान को नहीं जानते, सोसाइटी में तो वो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन हकीकत में वो बड़ा शैतान है सर। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा सर, वो मुझे मार डालेगा। मैं गुल खान को अच्छी तरह से जानता हूँ और समझता भी हूँ। तुम्हारे सच बोलने से उस शैतान का खात्मा हो सकता है और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोलो अब सारी बातें सच सच बताओ। सर ये एनजीओ नहीं बल्कि बेरोजगार नौजवानों को मंशियात के कारोबार में उतारा जाता है। इसमें लड़कों को काम का लालच देके फंसाया जाता है और फिर उन्हीं के जरिए मुल्क के कोने कोने में चर्स के खेप पहुंचाए जाते हैं। 90% लोगों को पता ही नहीं सर कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं और जिनको पता है वो भी किसी न किसी तरीके से फंसाए जा चुके हैं। रुको, बाकी सारी बातें तुम पुलिस और मीडिया के सामने कहोगे? वो मुझे मार डालेगा सर और मेरी जिम्मेदारियां अभी मुझे मरने की इजाजत नहीं देती। कुछ नहीं होगा तुम्हें, भरोसा रखो। मरना तो अब उन्हें होगा जो तुम हैं और तुम्हारे जैसे नौजवानों को गुमराह करते हैं। जरगर साहब, हमें बेहद अफसोस होता है जब हमें इन बच्चों की याद आती है जिनके माँ बाप पिछले 20-25 सालों से हमसे छीन गए हैं। हालांकि हमें इस बात की भी खुशी है कि आप इन बच्चों का ख्याल रखते हैं। खान साहब, ये सब आप ही की मदद से हो रहा है। अगर आप ये डोनेशन ना दे रहे होते तो हम इन यतीम बच्चों की देखभाल कैसे कर पाते? ऐसी कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। अगर हम इन बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है तो इन बच्चों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। ये लीजिए 5 लाख का चेक। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये हमारा फर्ज है। ये हम आपके लिए नहीं अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, वो हमारे अपने बच्चे हैं। खान साहब, यू आर ग्रेट। थैंक यू। अच्छा अभी इजाजत चाहूंगा, मुझे और भी कहीं पहुंचना है। इस एनजीओ में ड्रग्स का कारोबार होता है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम कराने के बहाने इस एनजीओ के साथ जोड़ दिया जाता है और उनसे गैरकानूनी काम करवाया जाता है और यूथ्स को अलग अलग स्टेट्स और अपनी स्टेट की अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है और उनके ज़रिए ड्रग ट्रैफिकिंग करवाई जाती है और जो लोग इस एनजीओ के साथ वाबस्ता है वो लोग बाकी नौजवानों को चरस गांजे में मुब्तला करवा रहे हैं। ये बताइए इस एनजीओ का करता धरता कौन है? ये एनजीओ गुल मोहम्मद खान की इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा है। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। जी जी बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। सर ये ऑफिस से फोन था। क्या बात है? सर ये ड्रैग रैकेट में आपका नाम लिया जा रहा है। सुबह से हर एक चैनल पे आपके नाम का ढिंडोरा पिट रहा है। व्हाट? खान साहब एक मिनट प्लीज। खान साहब आप पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बकवास है ये सब, मेरी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं अवाम की खिदमत करूं, उन लोगों के खिलाफ आऊं जो अवाम को इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आई विल सी टू दिस, मैं उन लोगों से कानूनी तौर निपटूंगा। मेरे खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है और मैं उसमें बेल भी ले चुका हूं। जब तक मेरे माथे से ये दाग मिटेगा नहीं मैं अपने आप को कसूरवार समझूंगा। मैं
किसी भी कीमत पे सच्चाई को आपके सामने लाकर रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये सब कैसे हुआ? उस लड़के में ऐसी हिम्मत कहां से आ गई कि हमारे खिलाफ बयान दे सके? ये उसी अखबार वाले ने करवाया है। कौन? वही कश्मीर डेली। अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है उसका? हाँ, हुसैन। अब तो उसको अपना तारुफ देना ही पड़ेगा। पुलिस और अदालत में ये साबित कर दो कि हमारा उस एनजीओ के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उस एनजीओ को वही लड़का चलाता है और जो कुछ भी काम होते हैं वो उसी के इशारे पे होते हैं। हाँ, हमारी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी है कि हमने उस लड़के इकबाल को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में मदद करी थी ताकि वो बाकी बेरोजगारों की मदद कर सके। हाँ, गाड़ी निकालो। क्या हुआ सर? पता नहीं। मैं कोई मदद करूं? नहीं खान साहब, ये आपके बस की बात नहीं है। मुबारकबाद देना चाहता हूं, अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन जल्दबाजी में अच्छा लिखते हैं आप, लेकिन बाकी अखबारों के मुकाबले में आपकी क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है। I mean पेपर, खास। आप चाहे तो अच्छे प्रिंटिंग प्रेस में छपवा सकते हैं। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लोगों तक खबर पहुंचानी है, पहुंच जाती है। डिफरेंसेस तो बढ़ रही हैं हमारे और आपके बीच, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको पढ़े ना पढ़े, हमें तो जरूर पड़ता है। खामखा हमारा वक्त जाया होता है। अब देखिए ना, उस लड़के ने हमारा नाम लिया जबकि हम उसकी मदद करना चाहते थे। पता नहीं क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली उसने। आपके बहकावे में आके बेचारा जेल गया उन इल्जामों के साथ जो उसने मुझ पे लगाए थे। हम उसके साथ हैं, उसकी पूरी मदद करेंगे। देखते हैं, अदालत का आने वाला फैसला तो हम आपको सुना चुके हैं। हमारी एक बात मान लीजिए, काफी कुछ जानना चाहते हैं आप हमारे बारे में। आप एक काम करिए, हमारे हाथ में हाथ दीजिए, खुद ब खुद हमारे बारे में सब कुछ जान जाएंगे आप। मिस्टर खान, आपको क्या लगता है इस शहर में आप जो चाहेंगे वो होगा? Let me tell you, Mr. Khan, आप गलत समझते हैं। आपके सामने जो शख्स खड़ा है वो बिकाऊ नहीं है। मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है, चाहे सामने आप जैसा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बंदा ही क्यों ना खड़ा हो। चलिए साफ साफ बात करते हैं, 5, 10,
15 करोड़। करना कुछ नहीं है, बस आपको अपने पेपर में हमारे फेवर में लिखना है। आप हाथ में हाथ देने की बात कर रहे हैं? मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं अपने हाथ से आपका, बट आई डोंट बिलीव इन वायलेंस। और मेरा ख्याल है कि आपको यहां से रुखसत होना चाहिए, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है जो यहां बर्बाद हो रहा है। आई थिंक यू शुड मेक अ मूव। सर मैं एक बात पूछूं, बहुत बड़ा नाम है ये गुल खान। स्पार्क प्लग साफ करें। सर मेरे हिसाब से ठीक हो गया, अब जरा ट्राई करें। दोबारा करें। इकबाल तुम बिल्कुल ही मत घबराओ, बस अपने बयान पे कायम रहो। लेकिन सर ये तो सब मेरे ही सर पर थोपना चाहते हैं। सर मैं बच जाऊंगा ना, मेरी फैमिली का क्या होगा? डोंट वरी इकबाल, हमने तुम्हारी बेल की अर्जी डाल दी है, तुम जल्दी ही छूट जाओगे। लेकिन ये तो कह रहे थे कि मैं लंबे अरसे तक जेल चला जाऊंगा। डोंट वरी इकबाल, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। हुसैन सर कह रहे थे कि तुम्हारी जमानत जल्दी करवाएंगे, उसके बाद गुलखान से तो हम अदालत में ही निपटेंगे। सर मैं बाहर तो आ जाऊंगा ना सर? हाँ इकबाल, तुम बहुत जल्द बाहर आ जाओगे और गुलखान को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। फोन। हाँ पूजा, कहो क्या बात है? व्हाट? ओके, तुम हेर को मैं ऑफिस आता हूँ। हुसैन क्या हुआ? वो इकबाल ने खुदकुशी कर ली। अभी मिली खबर के मुताबिक आज सुबह सवेरे शहर के मरकजी जेल की एक बारक में जेल हुकाम को इकबाल की लाश मिली। इकबाल ने खुद को फांसी पर लटकाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया है। जराया के मुताबिक लाश से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिस पर इकबाल ने गुल खान पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करने का एतराफ करते हुए लिखा है कि उसको गुल खान की छवि बिगाड़ने के लिए मजबूर किया गया था। सुसाइड नोट में इकबाल ने मजीद लिखा है कि उसको बाइज्जत शहरी पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करने का काफी अफसोस है और इसी वजह से वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा है। जो फैसला दिया
वही फैसला अदालत ने भी किया, हमारा फैसला यानी अदालत का फैसला। हमने तुम्हें इसलिए फोन किया कि तुम्हारा फैसला क्या है। वैसे अगर तुम हमारी बात मान लो तो अच्छा रहेगा। गुलखान, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। जर्नलिस्ट का मतलब है सच्चाई की तह तक पहुंचना विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट किसी भी कीमत पर। तुमसे यह वादा रहा, तुम्हारी सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगा एट एनी कॉस्ट। और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सच्चाई की हमेशा जीत होती है गुलखान, याद रखना। लग रहा है गुलिस्तान शहर में, गुलिस्तान शहर में शोला सुलग रहा है, गुलिस्तान शहर में, गुलिस्तान शहर में गुंचा लगे है आग ला शहर में, मेरे शहर में उजड़ा हुआ है बाग बाग, मेरे शहर में, मेरे शहर में हर एक दिल है दाग दाग, मेरे शहर में, शहर में। शहर में
कायल नहीं है हम, ऐसा ही बेज़मीर जा मेरे शहर में, शहर में उजड़ा हुआ है बाग बाग, मेरे शहर में, मेरे शहर में हर एक दिल है दाग दाग, मेरे शहर में, मेरे शहर में, मेरे शहर में, मेरे शहर सर, उंगली पे उंगली उठ रहे हैं आप पर, अखबार तो अखबार, अब टीवी वाले भी। देखो भाई अशरफ, कुछ ऐसा करो, लोगों का ध्यान हम पे से हटा दो, फिर खुद ब खुद टीवी वाले अपना कैमरा और अखबार वाले अपनी कलम दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो सर क्या कह रहे, इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो और फिर भी सवाल कर रहे हो। ये अखबार वाले काफी उछल कूद कर रहे हैं, कमजोरी मालूम करो। कमजोरी मालूम हो चुकी है सर। And what's that? उसकी बीवी। जब कमजोरी मालूम है तो चोट करो। बस सर, आपके हुक्म की देर है। वन थिंग मोर, याद रहे पीछे कोई सबूत न बचे। समझ गया सर। हाँ। Don't go to the extreme. खाली डराओ। जैसा आप कहे सर। That's like a good boy. दिखाई नहीं देता। दिखाई तो देता है, इसीलिए ब्रेक लगी। लेकिन लगता है आपके शौहर हुसैन साहब को नहीं दिखता। अगर वो ऐसे अंधे बनते रहे तो यकीनन मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाएगी। सर मुझे एक इम्पोर्टेंट लीड मिली है। What is it? क्या आप किसी रियाज मलिक को जानते हैं जो गुलखान के लिए काम करता था और बाद में उसे जेल हुई? That's right. तकरीबन साल दो साल पहले की बात है। जी सर, वो जेल से छूट चुका है और गुलखान ने उसे वादा किया था कि वो उसके घरवालों का ख्याल रखेगा। लेकिन गुलखान ने अपना वादा पूरा नहीं किया, अब वो गुलखान से बदला लेना चाहता है। वो सब तो ठीक है माजी, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता है? द
दरअसल मेरा एक फ्रेंड है और कल शाम गुलखान और रियाज मलिक की बात चली और बातों बातों में मुझे ये पता चला और मुझे लगा कि हमारे काम आ सकती है। और ये रियाज मलिक इस वक्त कहाँ है? आई डोंट नो सर, लेकिन पता लगाया जा सकता है। पता लगाओ माजिद। सर ये रियाज मलिक, मैंने आपसे मिलवाने लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। बिल्कुल अच्छी तरह से पहचाना। जेल से कब छूटे? 2 महीना पहले। सुना है बहुत तकलीफ में हो? हाँ बहुत तकलीफ में हो। शायद इतनी तकलीफ में तब भी नहीं था जब मैं जेल में था। वो क्यों? जेल से निकलते ही मुझे मालूम हुआ कि गुलखान ने मेरे साथ वादा खिलाफी की। जेल जाने से पहले उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे घर वालों का ख्याल रखेगा, लेकिन लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मेरी बूढ़ी माँ इलाज ना मिलने की वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई और मेरी बीवी लोगों के ताने सुन सुन के इतनी तंग हो गई कि अपने बच्चों के लेके पता नहीं कहां चली गई। हुसैन साहब, पिछले 2 महीने से मैं उसे तलाश कर रहा हूं लेकिन सब बेसूत। गुलखान से नहीं मिले? बहुत कोशिश की उससे मिलने की लेकिन मुझे उससे मिलने नहीं दिया जाता। शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। तो आप क्या करना चाहते हो? बदला। मैं बदला लेके उसे सबक सिखाना चाहता हूं। वो कैसे? मैं उसके बारे में वो जानता हूं जो कोई नहीं जानता। क्या जानते हो तुम? बस इतना समझ लीजिए कि मैं उसकी शहरक पे वार कर सकता हूं। अगर गुलखान की शहरक पर तुम वार कर सकते हो तो गुलखान जैसा शख्स तुम्हारे साथ सिर्फ 2 तरीकों से पेश आ सकता है। या तो तुम्हें मरवा देगा या फिर तुम्हें अपने साथ रख लेगा, लेकिन वो तुमसे मिलना क्यों नहीं चाहता? और फिर उसने तुम्हारे घर वालों का ख्याल क्यों नहीं रखा? हुसैन साहब, आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। आप चाहे तो मेरे घर चल के देख सकते हैं। दरअसल मैं उसके ऐसे राज से वाकिफ हूं जो उसे सरेराह नंगा कर सकते हैं और इस बारे में उसे खुद भी नहीं पता, वरना मैं कब का कब्र में होता। गुलखान बहुत शातिर और खतरनाक इंसान है। हाँ सर, मैं इसके घर जा चुका हूं। ये बिल्कुल सच कह रहा है। अच्छा बताओ, क्या जानते हो तुम उसके बारे में? हुसैन साहब, मैं गुलखान का बिजनेस पार्टनर था। मैं उसका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का काम भी देखता था और वहीं से मुझे पता चला कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है। What? गुलखान किसी के लिए काम करता है? Are you in your senses? जी, दरअसल इन सभी कामों का सरगना है सईद साहब, बड़ा ब्यूरोक्रेट। ये तुम क्या कह रहे हो? सईद साहब एक रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। जी हुसैन साहब, मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं और इन सभी बातों का सबूत सईद साहब के पर्सनल कंप्यूटर में मौजूद है और इस फाइल का नाम है CGF। अगर किसी तरह हम उस फाइल को हासिल करने में कामयाब हुए तो हम उन सफेद पोश लोगों के काले चेहरे को सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते हैं। रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल के कंप्यूटर में ये फाइल है, ये तुम कैसे जानते हो? मैं एक बार सईद साहब के पास मिलने गया था। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे और इस CGF फाइल के बारे में बात कर रहे थे। ये फाइल पहले से मेरे जहन में थी। ये CGF क्या है? कॉन्फिडेंशियल गुलखान फाइल। सईद साहब अपने हर आदमी की एक
कॉन्फिडेंशियल फाइल बनाते हैं। जी, इस फाइल को हासिल करने के लिए और गुल खान को अपने अंजाम पर पहुंचाने तक मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, अगर आप चाहें तो। मैं जानता हूं कि एक खतरनाक काम है, चाहे कुछ भी हो, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। I'm home. जोया, तुम क्या कर रही हो? जोया, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, और ये कपड़े क्यों पैक कर रही हो? मैं तुम्हारे अखबार, तुम्हारे प्रोफेशन की वजह से अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती। मैं यहां से जा रही हूं। What? तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है इसका? मतलब, आज उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की और धमकी भी दी। ये भी कहा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, वो हम दोनों की जान ले लेंगे। किसने किसने कहा जोया? जिनसे तुमने दुश्मनी मोल ली है। हुसैन, मुझे पता है तुम अपने काम को नहीं छोड़ सकते, लिहाजा मैं यहां से जा रही हूं। प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहती। मैं नहीं रहूंगी यहां, जा रही हूं। ये क्या बात हुई जोया? हम मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। हम पुलिस में जाकर उनकी कंप्लेन करेंगे। यही बात आपने उस इकबाल से भी कही थी। क्या हुआ उसका? वो मर चुका है। कहां जाओगे तुम? पता नहीं, लेकिन यहां नहीं रहूंगी। प्लीज मत जाओ। प्लीज हुसैन, मुझे मत रोकना। लेकिन तुम जाओगी कहां? अपने घर हैदर भाई और बाबी के पास। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूं। हुसैन, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूं। स्पाइक है? इसे हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारे काम आएगा। फिर से कह रही हूं, अपना ख्याल रखना। तो क्या प्लान है? हुसैन सर की सईद साहब से मीटिंग फिक्स हो गई है। कब? हमें आज ही सईद साहब के इंटरव्यू के लिए जाना होगा। लेकिन मैं, मेरा मतलब है कि तुम अंदर नहीं, बाहर ही वेट करोगे, और फिर काम हो जाने के बाद तुम और माजिद हुसैन सर को पिक करेंगे और फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। इतनी देर में भी पूजा को लेकर ऑफिस पहुंचता हूँ। पूजा कहाँ है? पूजा इज ऑलरेडी ऑन मिशन। लेकिन हुसैन साहब खुद क्यों नहीं आए? Actually, Ranjit is good with computers. Okay. Okay. Let's move. Okay.
हाँ हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगा। हाँ हाँ बी श्योर श्योर। हाँ हाँ नहीं प्रॉमिस नहीं कर सकता। ओके डियर बाय। हेलो सर, ये जो बेरोजगार नौजवान हैं, इनके साथ कहीं तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इनकी बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब जैसे कि सर बाहर कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है और वो कहती है कि मुझे आपसे कोई जरूरी काम है। यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इंटरव्यू में बिजी हूँ, उनसे कहो कि बाद में आ जाएं या थोड़ी देर बैठें। नहीं सर आप मिल लीजिए उनसे, वैसे भी हम यहीं पे बैठ के आपका वेट कर लेते हैं, वो कह रहे हैं कि आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है बुला लो। नहीं नहीं ऐसा करो मैं ही आता हूँ, आप थोड़ी देर मेरा इंतजार करें। ओके श्योर सर, इफ यू डोंट माइंड। श्योर श्योर श्योर, मैं अभी आता हूँ। Sorry for the inconvenience. It's okay, sir. हाँ कोई जरूरी काम नहीं था, बस शिकायत करने आई थी। हाँ आप लोग अपना काम शुरू करिए। जी ओके सर। हाँ एक्सक्यूज मी, यस सही देर। अच्छा मिनिस्टर साहब कब आ रहे हैं? अरे नो प्रॉब्लम आई विल बी देयर। हाँ मैं आ रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नो प्रॉब्लम सर, इट्स वेरी अर्जेंट, मुझे जाना ही पड़ेगा। इट्स ओके सर। ओके रन साहब से कहिए कि इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम। तुम लोग निकलो, मैं पूजा को लेके आता हूँ। ठीक है माजी। ओके It was excellent. पूजा? हाँ? सर ने तुम्हें फोन करने को कहा था। अरे हाँ। एक बार सर को फोन तो करें। हाँ पूजा। हेलो सर, सर पुलिस हमको ढूंढ रही है। What? सईद साहब के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका है और वो फुटेज पुलिस को मिल चुकी है। पुलिस हम सबको चारों ओर से ढूंढ रही है। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग तो बस ऑफिस के करीब हैं। तुम दोनों एक काम करो, वहाँ से निकलो, पुलिस वहाँ कभी भी पहुँच सकती है। तुम दोनों टीआरसी ग्राउंड में आ जाओ और लैपटॉप साथ में लाना, मुझे ये डेटा चेक करना है। जी सर। लैपटॉप तुम्हारे साथ में है? हाँ साथ में। चलो सर ने बुलाया है। क्या बात है, ये पुलिस का क्या चक्कर है? पुलिस क्या हुआ? उस कमरे में सीसीटीवी लगा था। ओह माय गॉड, हम तो बर्बाद हो गए। डरते क्यों हो? मैंने पहले ही कहा था कि काम बहुत मुश्किल है। खैर यू डोंट वरी, वी हैव गॉट द प्रूफ। हम सेफ हैं। तुम दोनों अलग अलग हो जाओ, मैं यहीं उतरता हूँ और डेटा चेक करके गुलखान और सईद साहब की असलियत सारे दुनिया के सामने लाऊंगा। शाम को मुझे टोल गेट के स्टॉप पर मिलना। बट तुम लोग मेरे सिग्नल मिलने तक अंडरग्राउंड हो जाओ। ओके ओके हुसैन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
ओह माय गॉड, ये तो होम मिनिस्टर के डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट टू सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। इससे गुलखान का कोई लेना देना नहीं है। व्हाट? तो इसका क्या मतलब? हम लोग फंस गए, पुलिस हमें तलाश कर रही है। इसका मतलब हुआ रियाज मलिक ने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी है। अब क्या करें? तुम दोनों कहीं छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूं छुपे रहो, या तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मेरे भाई साहब के यहां चले जाओ और उससे कहना कि हमें फंसाया गया है। और एक बात और, उनसे ये भी कहना कि हम दोनों को कहीं ऐसी जगह छुपाए जहां कोई पहुंच ना पाए। ओके, मैं रियाज मलिक को ढूंढता हूं। मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसे न जाने किस साजिश में फंसाया जा रहा है। आप मेरा यकीन कीजिए, वो बेगुनाह है। हैदर साहब, आपके भाई की सारी टीम की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने ही इस कंप्यूटर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं। मैंने आपसे कहा ना, जो कुछ भी आपने इस कंप्यूटर पे देखा है या जो कुछ भी यहां पे हुआ है वो सच है, लेकिन मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं क्योंकि मेरा भाई कभी ऐसा कर नहीं सकता। इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी और सब कुछ सामने आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बाय द वे हैदर साहब, एक बात बताइए, अगर वो इसमें मुलविस नहीं है तो फिर वो अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता? वो क्यों इस तरह से पुलिस से मारे मारे फिरते हैं? सईद साहब, आप मुझे काफी अरसे से जानते हैं और पूरे इलाके में हमारी शराफत की मिसालें दी जाती हैं। मेरा भाई कभी ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि हमने उसे वो तालीम नहीं दी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बेगुनाह है। देखिए हैदर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं आपसे नरमी बरत रहा हूं, कोई सख्ती नहीं कर रहा हूं। मेरा तो एक ही मशवरा है, अपने भाई से कह दीजिए कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। और हां, मैं वादा करता हूं अगर वो इसमें मुलविस नहीं है तो मैं जरूर उनकी मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब, अगर नहीं वो यकीनन बेगुनाह है और मेरा ये यकीन है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहेगा किसी भी कीमत पर। अच्छा भाभी, मैं आराम करने जा रही हूँ। लेकिन क्यों? पता नहीं भाभी, मेरा सिर चकरा रहा है। अच्छा ठीक है, जोया ठीक हो? जोया, हैदर, हैदर,
जोया को कुछ हो गया है। क्या बात है, क्या हुआ जोया को? जोया मां बनने वाली है। क्या? ये तो खुशी की बात है। सर ये क्या हुआ? पुलिस हमें चारों तरफ से ढूंढ रही है। तुम कहाँ हो? सर मैं डल की एक बस्ती में छुपा हूँ। रियाज मलिक कहाँ है? सर रियाज मलिक से कुछ देर पहले मेरी बात हो चुकी है। उसने मुझे डल की अंदरूनी बस्ती में बुलाया। अच्छा तुम एक काम करो, अगर रियाज मलिक मुझसे पहले वहां पहुंचता है तो उसे वहीं पर रोकना, जब तक मैं वहां ना पहुंचूं। Is that clear? ठीक है सर, मैं वही आपका इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो पूजा। हेलो सर, सर आप कहाँ हैं? मेरी बात गौर से सुनो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसी नए नंबर से तुम्हारे नए नंबर पर फोन करूंगा। Is that clear? पूजा, अगर मेरी लाश मिली तो? सर, सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पूजा मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यस सर। अगर मुझे कुछ होता है तो हमारी बेगुनाही का सबूत वहीं आसपास होगा। यही एक रास्ता है जिससे हम गुलखान को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। यस सर। सच्चाई और ईमान की जीत तब भी हुई थी और अब भी होगी इंशाल्लाह, किसी भी कीमत पर। यस सर। और हाँ, वन थिंग इज फॉर श्योर कि सबूत तुम्हें वहीं आसपास मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अपना ख्याल रखना पूजा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा सर। सर वो, सर आई वांट टू टेल यू समथिंग। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अपना ख्याल रखिएगा सर। आई लव यू सर, आई लव यू। व्हाट? क्या बात है पूजा? हाँ रंजीत, हमें सर का साथ देना होगा। चलो सर के पास चलते हैं। पर वो है कहाँ? I don't know। तो फिर हम क्या करें पूजा? सर ने हमें उनके अगले आदेश आने तक ऐसे ही रुकने को कहा है। I know रंजीत की, सर ने हमको यहाँ रुकने को कहा है, लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रंजीत, रंजीत सर को कहीं कुछ हो ना जाए। डोंट वरी पूजा, सर इतने कमजोर नहीं है, ही कैन हैंडल इट। हमें अंदर चलना चाहिए, ठीक है? कम, लेट्स गो। खुदा हाफिज।
जो फाइल रियाज मलिक ने गुलखान के नाम से कही थी वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए हमें पुलिस ढूंढ रही है। ये रियाज मलिक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ हुसैन साहब, और आप ही का इंतजार हो रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया रियाज? लगता है काफी सवालों के जवाब चाहते हो तुम, तो यहां पे मैं तुम्हें क्लियर करूं कि तुम्हारी वजह से मैं एक साल तक जेल में सड़ता रहा, और अब मैं चाहता हूं कि तुम भी जेल जाओ, और वो भी गद्दारी की लेबल के साथ। तुम्हारी ये जरूरत नहीं हो सकती। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ इस साजिश में और कौन है। लो, उनकी जुबानी खुद ही सुन लो। हेलो, हाँ गुलखान साहब, मैं स्पीकर ऑन करता हूं। और ये हुसैन साहब जानना चाहते हैं कि सारी साजिश के पीछे किसका हाथ था। हुसैन साहब, ये सारा जाल गुल मोहम्मद खान के सिवा और कौन बिछा सकता है? क्या लगता है तुम्हें अपनी टीम को मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजोगे? तो सुन लो, दिल्ली से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके सरहद पार तक सबको लगता है कि मैं उन्हीं का खैरख्वाह हूँ। ये सब मैनेज करने वाला मैं गुल खान, तुम्हारे दो तीन लोगों की टीम मुझे एक्सपोज करेगी। सुनो रियाज, इसको अंजाम तक पहुंचाकर ऑफिस पहुंच जाओ। बहुत गलत आदमी के साथ पंगा ले आए हुसैन साहब। माजिद, भरोसा तोड़कर तुमने आज भरोसे का खून कर दिया। 1500 रुपए तनख्वाह थी मेरी, और 1500 में आता क्या है आज? ये तो गुलखान साहब थे, गुलखान साहब की वजह से मैं आज हूं, वरना फाके लग जाते फाके। बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हें। सैन, फिलहाल अंजाम तो तुम्हारा बुरा होने वाला है। मारस, पेट पर क्या मारता है बुजदिल, इधर मार, सीने पर मार। तुम्हें क्या लगता है मुझे मार कर तुम लोग बच पाओगे? नहीं रियाज, सच्चाई और ईमान की जीत होकर रहेगी, याद रखना। इधर मार, सीने पर। मर चुका है। गुड, इससे पहले कि कोई आ जाए हमें यहां से निकलना चाहिए। हाँ। चलो। Ah.
झाड़ियां, पत्थर। शहर में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब डल के अंदरूनी इलाके में रोजनामा कश्मीर डेली के एडिटर हुसैन दुर्रानी की लाश बरामद हुई। रोलो, हक है तुम्हारा, रोलो, दिल खोल के रोलो। आज आज हक पे शहीद हुआ है मेरा भाई। रोलो, जितना जी चाहे रोलो। देखो देखो कैसे रो रही है मरियम। क्या तुम्हारा जी नहीं करता रोने को? तुम्हारा शौहर नहीं रहा, शहीद हो गया है वो, तुम बेवा हो गई हो।
रंजीत, ये सब कैसे हुआ मुझे पूरी तफसील से कहो। भाईजान, ये सब गुलखान का किया धरा है, और मुझे शक है कि इन सब के पीछे रियाज मलिक का हाथ है। उसने सर को एक इंफॉर्मेशन दी थी, वो कह रहा था पूजा और माजिद कहाँ है। पूजा तो पूजा अपने पुराने ऑफिस में है, और माजिद का कुछ पता नहीं। पूजा का कोई नंबर? हाँ सर, जो आपने दिया था। तुम्हारी हुसैन से कोई मुलाकात हुई थी क्या? हाँ सर, दो बार। उनकी डेथ से कुछ घंटे पहले उनका कॉल आया था। उन्होंने कहा था अगर उनको कुछ हो गया तो सबूत कहीं आसपास ही। उसके बाद एक और कॉल आया था जिसमें सर कुछ बताना चाहते थे मगर कुछ बोल नहीं पाए, बस कुछ जिक्र कर रहे थे, झाड़ियां पत्थर, बस बस भाईजान। मुझे तुमसे बहुत सवाल पूछने हैं। मुझे तुम मुझे छोड़ दो सर प्लीज। अपनी जबान खोल, नहीं तो तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बोल दो। ये सारा रियाज मलिक और गुलखान का क्या करा है? मेरे इस पे कोई हाथ नहीं। मां कसम, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे लालच दिया था, उन्होंने मुझे पैसे का लालच दिया था, और उसी लालच में मैंने उनका साथ दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है। चुपचाप खड़े रहे। अब तू मुझे उस जगह ले जाएगा जहां पर तुम लोगों ने मेरे भाई को। आराम से चलेगा तू। हाँ। किसी को लगना नहीं चाहिए कि तुम
ठीक मेरी गिरफ्त में हो। ठीक नहीं पता थी वो लोग उसे मार डालेंगे, मगर गद्दारी तो तुम ही ने की थी ना मेरे भाई के साथ। अब मुझे बताओ मेरा भाई कहां गिरा था? बताता हूं, वो वहां वहां पे ये पत्थर के पास, ये पत्थर के पास। के पास कोई स्पाई कैम था? हाँ हाँ हाँ, वो मुझे मिल गया है। मुझे लगता है कि हमें हुसैन की बेगुनाही का सबूत मिल गया है। हाँ हाँ, मुझे तुम एक काम करो, ठीक है, फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पे बुलाता हूँ। ओके सर। आज जिसे शहीद कहना चाहिए उसे गद्दार कहा जा रहा है।
अब फैसला आप लोगों को करना है कि मेरा भाई गद्दार है या शहीद। मिस्टर हैदर, आईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको याद करवाए। सच्चाई और ईमान की जीत तब भी हुई थी और अब भी होगी इंशाल्लाह किसी भी कीमत पर। रोजनामा कश्मीर डेली के एडिटर और नौजवान सहाफी हुसैन दुर्रानी के कत्ल का मामला हल हो गया है। तफसीलात के मुताबिक जिस वक्त हुसैन को कत्ल किया गया उस वक्त हुसैन का स्पाई कैमरा ऑन था और ये सारा खूनी मंजर हुसैन के स्पाई कैम में रिकॉर्ड हो गया। ये स्पाई कैमरा हुसैन के भाई और उसके साथियों के हाथ लग गया जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सारे खूनी खेल का खुलासा किया और ये फुटेज मीडिया के नुमाइंदों को दे दी। अब क्या होगा खान साहब? इस हुसैन ने तो मरते मरते हमें नंगा कर दिया, लगता है पुलिस हमें जल्दी गिरफ्तार करेगी। डोंट वरी, मैं देख लेता हूं मैं क्या कर सकता हूं। जाओ तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाओ। डोंट वरी, मेरा फ्यूचर तबाह कर दिया, अब मेरा क्या होगा? तुम्हारी मौत। क्या? बेवकूफ है ये, आप पे भरोसा ही नहीं, जानता नहीं आप खान साहब हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, है ना खान साहब? नहीं रियाज, हुसैन मुर्गे भी जीत गया। गुल मोहम्मद खान के दस्त रास्त माने जाने वाले रियाज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान रियाज मलिक ने कबूल किया है कि सईद मोहम्मद के ऑफिस से जो चोरी हुई थी उसमें बराह रास्त गुल खान मुलविस है। इस तरह ये बात साबित होती है कि इस केस के हवाले से हुसैन दुर्रानी बेकसूर है और रियाज मलिक इस केस में एक सरकारी गवाह बन गया है। इधर अभी अभी मिली एक इत्तला के मुताबिक गुल मोहम्मद खान को आज अपने ऑफिस में मुर्दा पाया गया। उनके हाथ में एक रिवॉल्वर भी था। कहा जाता है कि उन्होंने खुदकुशी की है। ताम जानकार हलकों का मानना है कि गुल खान की मौत कत्ल का नतीजा भी हो सकती है। ये शुबा इसलिए जाहिर किया जा रहा है क्योंकि गुल खान के सर के बाईं तरफ गोली लगी है जबकि रिवॉल्वर उनके दाएं हाथ में था। गुल खान की मौत खुदकुशी है या कत्ल, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। इसी दौरान हुसैन दुर्रानी के हक में आज शहर में एक जुलूस निकाला गया। शुरकाई जुलूस जस्टिस फॉर हुसैन के नारे बुलंद कर रहे थे। सहाफत समाज की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती है। सहाफी बजा तौर पर जमहूरियत का चौथा सतून है। एक बेलौस सहाफी समाज को सही समत दिखाने में अपना असल रसूख इस्तेमाल करता है। इस रास्ते में मुश्किलें पेश आए या तकलीफें बर्दाश्त करना पड़े, एक सहाफी इन सब चीजों से बालातर होकर अपनी पेशेवाराना जिम्मेदारियों के साथ कोई समझौता नहीं करता है। अपने पेशे के साथ इंसाफ, और यही किया हुसैन दुर्रानी ने। समाजी बहबूद के कामों में हुसैन हमेशा एक कदम आगे रहे, हमेशा सच्चाई का साथ दिया और हक परस्ती की। आज शहर का हर हक परस्त और सच्चाई का साथ देने वाला इंसान हुसैन की याद में नमनाक है। हम भी हुसैन दुर्रानी की शहादत को चश्मे नम के साथ सलाम पेश करते हैं। हुसैन दुर्रानी के नाम आज का ये खसूसी खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए अपने मेजबान मुबश्शिर रुफाई को दीजिए इजाजत। आपका और हमारा अल्लाह निगेबान। Bye.
ऐसी दस्तक ने क्यों चौंका दिया कर मुझे, वो जो रिश्ते